हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कॉर्नर टू डिस्कवर। और कैसे आप सब? तो चलिए आज बनाते हैं हम चिली गार्लिक पेस्ट। और जो ये पेस्ट है ये कोरियन डिशेस का तो काफ़ी मेन एलिमेंट होता है, पर आप अपने इसको अपनी सब्जी या फिर अपने और भी डिशेस में इसको डाल के अपना टेस्ट इन्हांस कर सकते हैं। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने सूखी लाल मिर्च ले ली है करीब 15 से 20, और इसे 20 से 25 मिनट तक लिए अच्छी तरीके से भिगो के रख दिया। एक बार जब 25 मिनट हो गए तो मैंने इस लाल मिर्च को इसका पानी निकालते हुए फिर ब्लेंडर में डाल दिया है एक एक करके। उसके बाद इसमें मैंने काफ़ी सारे छिले हुए लहसुन डाले, तो मैंने यहाँ पे 10 से 12 लिए हैं। उसके बाद जो ये चिली वाला पानी था यही मैंने करीब 3 से 4 बड़ा चम्मच डाला और इसे अच्छी तरीके से पीस लिया है। अगर ज़रूरत पड़े तो आप इसमें और भी पानी डाल के एकदम स्मूथ पेस्ट की तरह पीस सकते हैं। फिर तेल गरम करिए, उसमें एक छोटा चम्मच लहसुन डालिए और इसे अच्छी तरीके से भून लीजिए। उसके बाद जो हमने ब्लेंड करा था पेस्ट वो डालिए। अपने ब्लेंडर में थोड़ा सा पानी डालते हुए वो भी डाल दीजिए और इसे हाई फ्लेम पे 5 से 6 मिनट तक के लिए पका लीजिए। उसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी और डालिए, जो चिली वाला पानी था वही मैंने इसमें डाल दिया। नमक डाला स्वाद अनुसार और कश्मीरी लाल मिर्च करीब 1 बड़ा चम्मच, और इसे पकाया जब तक कि इसने तेल नहीं छोड़ दिया। फिर मैंने फ्लेम को बंद करा, इसमें 1 बड़ा चम्मच विनेगर डाला और मिक्स करा। तो विनेगर मैंने इसलिए डाला है क्योंकि मुझे इसे स्टोर करना है। अगर आपको स्टोर ना करना हो तो आप विनेगर को ऑप्शनल कर सकते हैं या नहीं भी डाल सकते। बस इसे बाउल में निकालिए, और अगर आपको लॉन्ग टाइम के लिए इसको स्टोर करना है तो फ्रिज में रखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो इसलिए जल्दी से जाके इस पेस्ट को बनाइए और अपने खाने का स्वाद बढ़ाइए। तो आई होप आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।